हेलो दोस्तों, जियोग्राफी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, लेसन नंबर 3 हमारा चल रहा था जिसका नाम है भू संसाधन तथा कृषि। आज का जो टॉपिक है वो है खाद्यान्न फसल। खाद्यान्न फसल आप सब जानते हैं, खाद्यान्न फसलें क्या होती है। खाद्यान्न फसल हम उगाते हैं इसलिए क्योंकि जिससे हमारा जीवन यापन हो सके और वो फसल जो उत्पादित कर रहे हैं उसका व्यापार भी हो सके। मतलब ऐसी फसलें जिससे हम जीवन निर्वाह करें और व्यापार में उपयोग लें। अब देखिए, अगर मैं खाद्यान्न फसलों की बात करें, खाद्यान्न फसल मतलब जिसे हम कहते हैं अनाज। कई तरह के अनाज होते हैं, अनाजों को भारत के अंदर विविध रूपों में बांटा गया, उसकी हम बात करेंगे। अनाज कहे तो जैसे कि चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, चना, तिलन की कई फसलें, कपास, जूट, या फिर हम कहें गन्ना, चाय, कॉफ़ी, ऐसी कई खाद्यान्न फसलें होती है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि अनाज के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें खाद्यान्न फसल के बारे में लिखना है कि खाद्यान्न फसल होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है खाद्यान्न फसल की। तो आपको लिखना क्या है, भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में खाद्यान्नों का एक महत्व जो है वो बहुत ही अधिक है। यह जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था के अंदर और व्यापारिक कृषि अर्थव्यवस्था में एक अहम भूमिका निभाती है। तो पहली लाइन जो होगी, हमें जो नोट्स के अंदर लिखना है वो लिखना है, भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में खाद्यान्न फसलों का अधिक महत्व है। लिखेंगे भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में खाद्यान्न फसलों का महत्व अधिक है। ठीक है, फिर लिखेंगे यह जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था, या फिर हम कहें, या तो इन खाद्यान्न फसलों को क्या कहते हैं, जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था, या फिर हम कहें व्यापारिक, ठीक है, व्यापारिक अर्थव्यवस्था, या हम फिर कहें व्यापारिक कृषि अर्थव्यवस्था। ठीक है, कृषि अर्थव्यवस्था। ठीक है, क्यों कहेंगे, सब पता है आपको कि भाई खाद्यान्न मतलब खाने में उपयोग आने वाली फसल। अब जीवन निर्वाह का मतलब क्या होता है, मतलब जीवन को चलाने के लिए जिन फसलों का उपयोग होता है वो खाद्यान्न फसल है। या फिर हम कहें व्यापारिक कृषि अर्थव्यवस्था क्यों कहेंगे, क्योंकि जो भी हम खाद्यान्न पैदा करते हैं अनाज, उसको हम बेचकर व्यापार के तौर पर उसे उपयोग लेते हैं और वो हमारी अर्थव्यवस्था में एक अहम भूमिका निभाती है। इसलिए खाद्यान्न फसल को जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था भी कहते हैं या फिर व्यापारिक कृषि अर्थव्यवस्था के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, चलिए अब खाद्यान्न फसल में हम बात करते हैं अनाज की। देखिए, अनाज के तौर पर बात करें, भारत की स्थिति क्या है, जो हम पैदा करते हैं अनाज, जिसमें चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, जो भी अनाज में आता है, अगर उसकी स्थिति भारत में देखें तो भारत के कुल बोए गए क्षेत्र का लगभग 54% भाग पर अनाज बोते हैं हम भारत के अंदर। ठीक है, लिखेंगे भारत के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 54% भाग पर अनाज बोते हैं। ठीक है, ये लाइन आपके समझ में आ गई होगी कि भारत के कुल बोए गए क्षेत्र का लगभग 54% भाग जो है वो अनाज का है। ठीक है, अगर मैं भारत की स्थिति विश्व के अंदर देखूं, ठीक है, भारत का विश्व, ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं विश्व स्तर पर अनाज की स्थिति, भारत विश्व का लगभग 11% अनाज उत्पन्न करके अमेरिका और चीन के बाद में तीसरा स्थान रखता है। अगली बात समझ में, भारत विश्व का लगभग कितना प्रतिशत, 11% अनाज उत्पन्न करके विश्व में चीन व अमेरिका के बाद तीसरा
स्थान रखता है। ठीक है, मतलब हमारा तीसरा नंबर आता है अनाज पैदा करने में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं भारत के अंदर अनाज के विविध रूप, जो मैंने अभी बताया आपको चावल, ज्वार, बाजरा, इनको कई कैटेगरी में डाला है, वो छह कैटेगरी इसकी है अनाज की। तो भारत में अनाज को विविध रूप में देखते हैं, कौन कौन से रूप है भारत में अनाज को विविध रूप में बांटा गया है। ठीक है, अब वो विविध रूप कौन से हैं, मैं एक साथ बता रहा हूं आपको, पूरी किताब आपकी इसके अंदर आ जाएगी। देखिए, सबसे पहला जो रूप है वो है उत्तम अनाज का। ठीक है, जो ये उत्तम अनाज है इसके अंदर कौन कौन से फसल आती है, मतलब अनाज आता है, वो है चावल आता है और गेहूं आता है। आज का जो टॉपिक है वो चावल ही अपना रहने वाला है। ठीक है, सेकंड नंबर पे जो आता है ये होता है कौन सा, मोटे अनाज, जिसकी साइज जो होती है वो थोड़ी मोटी होती है, जिसे हम बोलते हैं मोटा अनाज। और मोटा अनाज जो है, अब इसमें कौन कौन से अनाज आएंगे, आपका ज्वार आएगा, बाजरा आएगा। ठीक है, ज्वार, बाजरा और मक्का, अब देख लीजिए इनकी साइज थोड़ी मोटी होती है। ठीक है, तीसरे नंबर पे जो विविध रूप जो है वो है दाल। ठीक है, दालें, अब देखिए दाल में जो फसल आती है, एक तो चना मुख्यतः, और एक होता है अरहर, अरहर को बोलते हैं तुर, तुर के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, चलिए तीन बिंदु हो गए, उत्तम जिसमें चावल गेहूं, मोटे अनाज जिसमें ज्वार बाजरा मक्का, और तीसरा दाल जिसमें चना अरहर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन, चौथे नंबर पे आता है तिलहन। अब देखिए तिलहन की जो फसल होती है इसमें जो तेल निकलता है, जैसे कि आप देखा होगा मूंगफली, ठीक है, मूंगफली की फसल इसमें आती है। इसके अलावा आपका सरसों, ठीक है, सरसों, ठीक है, खुद तिलहन, तिल जो होता है वो भी इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, और भी कई तरह के तोरिया, एक तोरिया भी फसल होती है, तोरिया, इसके बारे में पढ़ेंगे अपन सब, है ना। चलिए ये बिंदु अपना कंप्लीट हो, पांचवें नंबर पे जो आता है वो देखिए कौन सी फसल, कौन सा विविध रूप है, रेसेदार फसल, जिसमें कपास और जूट आता है। ठीक है, लिखेंगे रेसेदार फसल, जिसमें आप लिख दीजिए एक तो कपास और एक लिख दीजिए जूट। ठीक है, ठीक, अब देखिए छठे नंबर पे जो आता है, आखिरी बिंदु है, ये अन्य फसल के अंतर्गत आता है, अन्य में जो बच गए, जैसे कि आपके चाय है, कॉफी है, ठीक है ना, चाय कॉफी, ठीक है, चाय कॉफी और आपके गन्ना। ठीक है, ये महत्वपूर्ण फसल है। इस तरीके से अपने विविध रूप, एक बार रिपीट कर रहा हूं दोबारा सुन लीजिए, देखिए भारत में अनाज को विविध रूप में बांटा गया है। ठीक है, पहला है उत्तम अनाज, जिसमें दो फसलें हैं चावल और गेहूं की। ठीक है, पूरा लेसन अपना इसमें आ जाएगा, फिर आपको एक एक बिंदु सब फसलों का वर्णन करके पूरे वीडियो जो है उसी पे होंगे। उत्तम अनाज में चावल और गेहूं आते हैं। ठीक है, मोटे अनाज मतलब साइज में थोड़ी मोटी होती है, ज्वार, बाजरा और मक्का आता है। दाल में आता है चना, अरहर जिसे तुर कहते हैं। तिलहन में आता है मूंगफली, सरसों, तिलहन और तोरिया। पांचवें नंबर पे आता है रेसेदार फसल, कपास और जूट आती है, और अन्य फसलों में गन्ना, चाय और कॉफी आती है। तो इस तरीके से भारत के अंदर जो खाद्यान्न फसल है उसमें पैदा होने वाला जो अनाज है वो अनाजों की स्थिति आपको मैंने बता दी। अब आज का जो टॉपिक है वो है उत्तम अनाज का पहला बिंदु है चावल। तो सबसे पहला बिंदु चावल का टॉपिक डाल लीजिए, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए मैंने पहला बिंदु डाल दिया आपके सामने, चावल। देखिए मैंने बताया आपको अनाज जो है उसको छह विविध रूपों में भारत के अंदर बांट दिया। अब इसमें जो पहला बिंदु आपने उठाया वो है उत्तम अनाज का, जो हमारा बिंदु है, जिसमें दो भाग है, एक तो चावल और एक गेहूं। आज का जो वीडियो है वो बना हुआ है किस पर, चावल पर आधारित। मोस्ट टॉपिक है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, एग्जाम में डालते हैं कई बार इसको क्वेश्चन को, इसलिए ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, इसमें छोटे बड़े सब क्वेश्चन आते हैं। देखिए चावल सब जानते हैं, चावल के बारे में हम खाते भी हैं चावल। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यह एक उष्ण आर्द्र
कटिबंधीय फसल है। उष्ण आर्द्र क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसको जितनी तापमान की आवश्यकता होती है उतना ही आर्द्रता मतलब पानी मतलब नमी की आवश्यकता होती है, क्योंकि चावल के खेत हमेशा पानी से भरे हुए रहने चाहिए और गर्मी भी उतनी पड़नी चाहिए, मतलब यह एक उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल है। तो पहली लाइन जो होगी यह है, यह एक उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल है, ठीक है, यह हमारी पहली लाइन है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि चावल किस प्रकार की फसल है, तो उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल है। आपको मैं बता दूं भारत के अंदर 3000 से अधिक किस्में हैं, ध्यान रखना, चावल की, जो कि विभिन्न कृषि जलवायु प्रदेशों में उगाई जाती है, ठीक है। दूसरी लाइन आपको यह लिखनी है, भारत में चावल की 3000 किस्में हैं जिन्हें विभिन्न जलवायु प्रदेशों में उगाया जाता है, ठीक है। ये हमारी दूसरी लाइन हो गई चावल की, ठीक है। बिल्कुल सीधी सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं, आपके नोट्स भी बनते जाएंगे, ठीक है। अब अगली लाइन सुनिए, भारत जो है विश्व का 22.7% चावल उत्पादित करता, विश्व का, ठीक है, लिखेंगे भारत विश्व का 22.07% चावल उत्पादित करता है, ठीक है। ये हमारी तीसरी लाइन हो गई, याद करने के तरीके से मैंने बता दिया आपको कि भारत जो है पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो 22.07% चावल उत्पादित करता है, चीन के बाद भारत का विश्व में दूसरा स्थान आता है चावल के अंदर। ये हमारी अगली लाइन होगी, चीन के बाद चावल में भारत का दूसरा स्थान आता है, ठीक है, दूसरा स्थान आता है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं ये जो रिकॉर्ड है वो है 2018 के अनुसार, आगे बात समझ में, ठीक है, मतलब चीन के बाद चावल में भारत का दूसरा स्थान आता है 2018 के अनुसार। कुल बोए गए क्षेत्र का 1/4 भाग पर चावल बोया जाता है, ठीक है, लिख देंगे इसको भी जोड़ देंगे, कुल बोए गए क्षेत्र का 1/4 भाग चावल बोया जाता है, ठीक है। यह हमारी चौथी लाइन हो गई, रिपीट दोबारा से, यह एक उष्णकटिबंधीय फसल है, ठीक है। भारत में चावल की 3000 किस्में हैं जिन्हें विभिन्न जलवायु प्रदेशों में उगाया जाता है, ठीक है। भारत विश्व का 22.07% चावल उत्पादित करता है, चीन के बाद चावल में भारत का दूसरा स्थान है 2018 के अनुसार। कुल बोए गए क्षेत्र का 1/4 भाग पर चावल बोया जाता है। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ी सी भारत के अंदर कुछ राज्यों की बात कर लेते हैं, चावल के अंदर क्या स्थिति वो राज्य रखते हैं, जिसमें हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी बंगाल और दक्षिणी राज्य बहुत ही ज्यादा चावल के लिए अनुकूल परिस्थिति वाले राज्य माने जाते हैं, उसकी हम बात करेंगे। चलिए यहां तक आप उतार लीजिए, देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। मैं बात करता हूं हरित क्रांति के अंतर्गत जो राज्य आते हैं जो मुख्यतः चावल उत्पादित करते हैं, जिसमें हरियाणा और पंजाब का नाम आता है। हरियाणा पंजाब में चावल जो है वो हरित क्रांति के अंतर्गत 1970 के अंदर प्रारंभ किया गया था, चावल को जो कि सिंचाई के अंतर्गत है, सिंचाई करके इस चावल को पैदा किया गया था हरित क्रांति के अंतर्गत। यहां से शुरू करेंगे, लिखेंगे हरित क्रांति के अंतर्गत, ठीक है। हरित क्रांति आप जानते ही हैं, जिसके अंदर कीटनाशक, ठीक है, जो भी आपका बीज है, अधिक अच्छा खाद है, उनका उपयोग करके हरित क्रांति उसे कही गई है, जो फसलों के उत्पादन के लिए अपनाई गई जो क्रांति थी। तो हरित क्रांति के अंतर्गत एक हरियाणा का नाम चावल के अंदर बहुत मुख्यतः माना जाता है और एक माना जाता है पंजाब, ठीक है, में सिंचित क्षेत्रों, ठीक है, सिंचित का मतलब सिंचाई करके, सिंचित क्षेत्रों में चावल, ठीक है, जो पैदा किया गया
1970 से, ठीक है, चावल की कृषि 1970 से प्रारंभ की गई, पहली लाइन आपकी हुई, ठीक है। अब जब ये हरित क्रांति लाई गई, हरित क्रांति के अंतर्गत हरियाणा पंजाब में जो चावल को पैदा किया गया था, उस पैदावार के अंदर तीन चीजें मुख्यतः थी जो कि चावल के उत्पादन को बढ़ा रही थी। पहली चीज किस्म, जो आपके चावल की जो किस्म थी, उत्तम किस्म के जो बीज थे वो इसमें उपयोग में लाए गए, ठीक है, ये लिखेंगे उत्तम किस्म के बीज, उत्तम किस्म के बीजों का उपयोग, पहला ये काम इन्होंने किया जिससे कि चावल के अंदर पैदावार अच्छी हुई। दूसरी चीज इन्होंने किया अपेक्षाकृत अच्छा अधिक खाद, लिख देंगे अधिक खाद का उपयोग किया गया। तीसरा जो उपयोग किया गया कीटनाशक का, ठीक है, कीटनाशक का प्रयोग किया गया। और चौथी चीज जो अहम थी वो थी शुष्क जलवायु के कारण फसलों के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता थी, ये भी फसल के अंदर उत्पादन को, पैदावार को प्रभावित करता था, ठीक है। तो इसको भी लिख देंगे, क्या लिखेंगे इसके अंदर, फसलों के अंदर रोग प्रतिरोधकता, फसलों की रोग प्रतिरोधकता जैसे कारक इन प्रदेशों में चावल की पैदावार के उत्तरदायी कारक माने जाते हैं। मतलब ये कि हमारे जो पंजाब हरियाणा के अंदर जो 1970 में हरित क्रांति के अंतर्गत चावल को प्रारंभ किया गया था पैदा करना, तो उसमें पैदावार के अंदर जो मुख्य कारक थे वो थे उत्तम किस्म के बीजों का उपयोग करना, अधिक खाद और कीटनाशक का प्रयोग, और रोग प्रतिरोधक क्षमता जो थी, ये चार पांच चीजें ऐसी थी जो कि इन प्रदेशों के अंदर चावल की पैदावार के उत्तरदायी कारक माने जाते हैं। इसके अलावा भारत के अंदर दक्षिणी राज्य, आपके दक्षिणी राज्यों जो कि आपके साउथ वाला पार्ट है, वह आपका भाग है पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, ये दो स्टेट ऐसे, यहां पर भी चावल जो है बड़े स्तर पर बोया जाता है, क्योंकि यहां पर चावल के लिए एक जलवायु जो पाई जाती है वो अनुकूल पाई जाती है। एक कृषि वर्ष में चावल की 2 से 3 फसल बोई जाती है दक्षिणी राज्य और पश्चिमी बंगाल के अंदर, क्योंकि यहां की जो जलवायु है वो चावल के लिए अनुकूल परिस्थिति लिए हुए है। तो लिखेंगे क्या, दक्षिणी राज्य व पश्चिमी बंगाल में जलवायु चावल के अनुकूल है, यहां एक कृषि वर्ष, मतलब एक साल के अंदर, एक कृषि वर्ष में 2 या 3 बार चावल पैदा किया जाता है। समझ में आ गई बात, यहां तक बिल्कुल क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बात की हरियाणा पंजाब की, मैंने बात की दक्षिणी राज्य और पश्चिम बंगाल की, ठीक है, चलिए यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ी पश्चिम बंगाल के बारे में बताऊंगा कि यहां पर 3 फसलें लेते हैं, वो कौन कौन सी किस्म यूज लेते हैं, और प्रमुख क्षेत्र भारत के अंदर जहां पर चावल बड़े स्तर पर बोया जाता है, उगाया जाता है, उसकी भी हम बात कर लेंगे। यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए आगे क्यों बढ़ते हैं, पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल के जो किसान है वो चावल की 3 फसलें लेते हैं। वो 3 फसलें कौन सी है, ओस, अमन और बोरो। ये मोस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट टॉपिक है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। पूछते हैं क्या, पश्चिमी बंगाल में किसान चावल की 3 फसलें कौन सी बोते हैं, ठीक है, 3 फसलें लेते हैं, प्रमुख कौन सी है, पहला ओस, दूसरा अमन, तीसरा बोरो। ये 3 फसल है, किस्म कह दीजिए, ये आपके पश्चिम बंगाल के अंदर किसान लोग उपयोग में लेते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, मोस्ट याद रखना इस चीज को, ठीक है,
मुख्य आपकी मुख्य क्षेत्रों की बात कर लेते हैं। भारत के अंदर सबसे पहला क्षेत्र जहां पर चावल ज्यादा पैदा किया जाता है, कृषि समुद्र तल से 2000 मीटर तक की ऊंचाई पर चावल पैदा किया जाता है, ठीक है, लिखेंगे कृषि समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई पर। सेकेंड नंबर पे जो है पूर्वी भारत के आर्द्र भागों से लेकर उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क लेकिन सिंचित क्षेत्र, मतलब सिंचाई वाले क्षेत्र, यहां पर चावल पैदा किया जाता है। तो सबसे पहली लाइन क्या होगी, पूर्वी भारत के आर्द्र भागों, पूर्वी भारत के आर्द्र भागों, ठीक है, पूर्वी भारत के आर्द्र भागों से लेकर कौन से साइड, उत्तर पश्चिम, उत्तर व पश्चिम जो भाग है, ठीक है, और वहां पर भी शुष्क क्षेत्र लेकिन सिंचित क्षेत्र, सिंचाई वाले क्षेत्र, भारत के शुष्क परंतु सिंचित मतलब सिंचाई क्षेत्रों में। अब हम थोड़े राज्यों की बात कर लेते हैं, राज्यों के अंदर आते हैं, जैसे कि पंजाब है मुख्यतः, हरियाणा है मुख्यतः, पश्चिमी बंगाल है, आगे बात समझ, ये तो मुख्यतः जो मैंने पढ़ाया आपको, ठीक है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, इसके अलावा कौन सा राज्य, राजस्थान भी आता है लेकिन वो उत्तरी राजस्थान आपका आता है, ठीक है, इसके अलावा और कौन सा आता है, केरल भी आता है, ठीक है, इसके अलावा कौन सा, पश्चिमी बंगाल, जो कि पश्चिम बंगाल था ही, ये सॉरी वो एक नाम और है आपका तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु भी आता है और आंध्र प्रदेश भी इसके अंतर्गत आता है, जहां पर सर्वाधिक चावल उत्पादित करते हैं। यहां पे उत्तर प्रदेश जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है, पूरा उत्तर प्रदेश नहीं है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर चावल बोया जाता है। तो ये आपके प्रमुख क्षेत्र हो गए जहां पर चावल का उत्पादन किया जाता है, समझ में आ गया होगा। आज हमने अनाज के टॉपिक के अंदर उत्तम अनाज जो है उसमें पहला बिंदु कंप्लीट किया, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे गेहूं के बारे में। इस वीडियो में इतना ही, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।